What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं ओंटारियो ब्रैम्पटन। मम्मी आए हुए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना घूमने जाएं, तो हम जा रहे हैं जी मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, सारी जगहें कवर करेंगे और उनको लेके जाएंगे, खाने पीने के स्पॉट्स घुमाएंगे, रिलीजियस प्लेसेस घुमाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें लिस्ट के ऊपर है। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन पर टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं जी हमारा आज का ट्रिप। और पैकिंग हो चुकी है, डेक्सटर नहीं जाएगा आज, डेक्सटर आज तो घर पर ही। ओके, सामान सारा पैक हो चुका हुआ है जी, कपड़े कुपड़े पा लिए हमने, तो बस अब निकल रहे हैं। मम्मी जी रेडी? रेडी रेडी। डेक्सटर को मिल लो, बाय बाय कर लो। हैं, बाय डेक्सटर। चलो बाय 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 डेक्सटर, खेल रहा आपके साथ। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग, चलते हैं ब्रैम्पटन, रास्ते में मम्मी के साथ करते हैं बातें शाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। वे सिर्फ मम्मी मेरे रेडी हैं, बैठ गए हैं कार में, मैं एक्साइटेड। आपका पहला रोड ट्रिप है कनाडा में, मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, सोच के अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर ब्रैम्पटन ओंटारियो और वहाँ पर हमारा पहला स्टॉप है, वहाँ पर जाकर करते हैं जी बातें, शॉपिंग, खाना पीना, सारी चीज़ें करेंगे आज के इस ब्लॉग में। No loco en mi mente, yo no sé lo que pasó. Cuéntame porque el corazón me robó. तो जी अब हम पहुंच चुके हैं टोरंटो फाइनली, मैरियट होटल में मैंने बुकिंग ली थी, कोर्टयार्ड ब्रैम्पटन के पास। तो मम्मी जी रेडी हो? चलो जी चले अब अंदर होटल के अंदर चलते हैं। हाय हाय, वैसे थके आपके नहीं 6 घंटे के अंदर? हैं, तो दोस्तों टोटल 6 घंटे लगे हमें ब्रैम्पटन पहुंचने में और उसके बाद फाइनली हमने चेक इन किया हमारे होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट के अंदर। यहाँ पर हम 3 रातें रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे सारे एरियाज अराउंड ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा एंड नियर बाय, और फाइनली हम जाएंगे नायग्रा फॉल्स। मेरे 2 दोस्त हैं यहाँ पर, रोमिल और सूची, उनको पता था मैं आ रहा हूँ और वो एक छोटा सा सरप्राइज लेकर होटल में पहुँच गए, और वो मुझे भी नहीं पता था कि मम्मी के लिए ऐसे स्वीट्स वगैरह यहाँ का स्पेशल चॉकलेट बकलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए, जैसे डेक्सटर के लिए टॉयज और मेरे लिए बंदानास जो मैंने थोड़े दिन पहले फ़ोटोज़ वगैरह डाली थी। तो हमने बैठ के बहुत सारी बातें करी, टॉयज ओपन करे जो भी डेक्सटर के आए थे और खाने पीने का सामान खोला, डिनर वगैरह करा, बहुत ही मज़ा आया। मुझे पता, मेरे पास लिंट रिमूवर है, ये भी डेक्सटर के लिए, ये भी डेक्सटर के लिए, और ये देखिए मेन चीज बंदा आने सारे। हाँ ये मैंने पाए थे ना ब्लैक कलर के, और आ गया। What's up guys, good morning। होटल में हम रुके हुए हैं और सुबह हो चुकी हुई है और मम्मी के साथ हम कुछ खाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो होटल है उसके बिल्कुल सामने, मैं ठहरा हूँ मैरियट यहाँ पर ब्रैम्पटन में, और यहाँ पर बिल्कुल सामने होटल के राजधानी करके एक स्वीट शॉप लग रही है, मुझे इंडियन लगी, मैंने नेट पे चेक किया, बल्ले बल्ले काम है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो सोचा कि वहाँ पे चने भटूरे, पूड़ी, आलू, मम्मी को कुछ ऐसे का खिलाया जाए। मम्मी खाना कुछ इंडियन स्वाद स्वाद यहाँ पर कैनेडा में पता यहीं पर मिलता है बस ऐसे का, इंडियन तो हमेशा खाते रहते हैं, मैं इंडिया कैसे है वो भी देख लेते हैं। चलते हैं राजधानी स्वीट्स, वहाँ पे जाके कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों राजधानी स्वीट्स बिल्कुल होटल के सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, वहाँ पर हम गए और हमने ऑर्डर किया पाव भाजी, चना भटूरा और एक लस्सी, मम्मी को खिलाया और उनका रिव्यू लिया कि देखे भाई कैसा, तो आओ उनके मुँह से सुन लेते कि कैसा लगा। रेडियो टेस्ट करने के लिए इंडियन फूड पहली बार हम खाने लगे ना जब क्या पाए हो, है ना? होटल में बैठ के तो पहली बार, वैसे तो खाए ही। खाना आ गया जी, मम्मी शक्ल कितना दी है, नंबर दे वन पांचो अम्मा इतना दी होती है, ये और कैसे की होती है? नहीं लो जी दोस्तों पाव भाजी आ गई और मम्मी खा रहे हैं पहली बाइट, 1 2 3 एक्शन। मम्मी बताओ कैसी लगी? 1 2 3 बढ़िया, ओके ओके, एवरेज। ये तो ब्रैम्पटन है, यहाँ पे तो एवरेज कुछ भी नहीं होता, खाना स्वाद होता है। तुझे कितना है? मम्मी को
को तो पाव भाजी बहुत ज़्यादा एवरेज लगी है। अब देखते हैं कि चना भटूरा जो आ रहा है वो कैसे का, फिर वो ट्राई करके बताते हैं। ठीक है मम्मी। ओ माय गॉड, है भटूरा ज़्यादा वड्डा नहीं आ गया है? बहुत वड्डा ना, देखो जरा ट्रे से भी बाहर आ रहा है। इतना बड़ा भटूरा मैंने तो नहीं खाया हुआ। और दोस्तों जो मॉन्ट्रियल में रहते हैं ऐसे का नहीं मिलेगा ये, आपको मुझे लगता है यहीं पे ही मिलेगा और ऑथेंटिक लग रहा है। तो मम्मी लस्सी चेक करो तुम। हाय हाय, डिजाइनर लस्सी तो भटूरा क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो जब फटाफट इसको खा लेते हैं और कुछ बाकी की बातें खाने के बाद। भाई भटूरे तो मम्मी को बहुत टेस्टी लगे, सॉफ्ट लगे। खाते खाते एक चीज़ ये होगी कि उसके सैलड में आ गया जी एक बहुत ही बड़ा बाल। उनको बोल के हमने फिर इसको रिप्लेस करवाया और कहा कि भाई ये इंडियन कस्टम एटलीस्ट कनाडा में तो मत चलाओ। उन्होंने चने लेके हमें फिर नए चने दे दिए थे, प्लेट वो उठा के ले गए थे। लेकिन ओवरऑल जो फूड था वो बहुत ही सही था टेस्ट के मामले में, अगर ये बाल ना आता। और लस्सी भी टेस्टी थी। बिल बना टोटल $20 पैसे दिए हमने ये सारा खाने के बाद। और यहाँ से निकल लिए आगे CN टावर के लिए अपने दोस्तों को पिक करने के लिए। होटल से फटाफट कपड़े चेंज किए और बैठ गए जाके गाड़ी। Que quiero es amor, nada de compasión, no, no, no lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo ves. Yeah, hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la ahogó, baby eso no lo quería. अब हम आ चुके हैं दोस्तों चाय नाका, हमारा जो अगला स्पॉट है। यहाँ से हम चाय पियेंगे। मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि चाय पिलाई जाए, मम्मी को लग रही थी मेरे ठंड। तो रोमिल चाय नाका की चाय पिला रहे हो फिर? तो दोस्तों हम फिर रुके चाय नाका, जहाँ से हमने ली मसाला चाय और इसके साथ सौंफ वाली चाय, इंडियन स्टाइल, बहुत ही टेस्टी। ऐसा टेस्ट मेरे को अभी तक मिला नहीं था कहीं पे कनाडा में रेस्टोरेंट वगैरह में। ओवरऑल प्राइस भी ठीक था, $2-3। चाय लेके हमने जी लेके गाड़ी में और चाय पी और आगे के प्लान्स बनाए। चलो जी चाय 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 गर्मा कर चाय। ना ज्यादा मीठी है, उसे एक्चुअली बनाई है। हाँ जी दोस्तों हमने पी लिया चाय चाय नाका से। चाय लगी हमें बड़ी स्वाद, मम्मी को भी बड़ी लगी स्वाद। मम्मी जी स्वाद लगी कि नहीं? ओके ओके है ना। अब हम जा रहे हैं जी टोरंटो CN टावर, वहाँ पर जाएंगे, ढेर सारी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। ये इसने नया फ़ोन लिया 13 Pro, उसमें थोड़ी साफ फोटोएँ आ जाएंगी, ले लेंगे जी। चलो जी चलते हैं अब टोरंटो, मम्मी को टोरंटो CN टावर के नज़ारे। Suji, where are we now? Welcome to Rogers Center. We are heading to CN Tower. Come on, follow me. Mummy, aa gaya si. Oh, paise bhi dene udhar. Idhar aao pehle. Parking de paise bhi dene hai. Bade the tour guide bane hoye hai. Let's go. तो हाँ जी दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली टोरंटो डाउनटाउन। और आप देख सकते हैं वो CN टावर जो कि आपने सारी फ़ोटोज़ में देखा होगा। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहीं की स्टोरी डालते हैं। तो ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये आज हमारी है टूर गाइड सुची, ये हमें बताएंगे। लेट्स गो, सबसे पहले पार्किंग पे करते हैं। राइट मैडम, पे होगी कि नहीं? नहीं होगी तो फिर हम यहाँ से उठ के पच जाएंगे और क्या। राइट लेट्स गो चेक स्कैन चुकाई। 1-2 सिटिंग ना पते थे पे कर देने ना। पार्किंग टिकट आ गई है जी सुचित जी हैं, तो अब इसको रख देते हैं गाड़ी के आगे और फिर चलते हैं। मम्मी साढ़े कितने गए? बस यार आके आगे डिजिट उसके खड़े हो तुम। जैकेट बंद करो मम्मी दी, और भी ऐसी 50 जगह जाना है। और मम्मी रात थर्मामीटर मांग दे और मेरे तो हैं ठंड है गाइस, ठंड तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ठंड हो रही है। ठंड ठीक है, हवा ज़्यादा है, हवा जो है ना वो ज़्यादा है ना सुची, बहुत ठंड है गाइस। मम्मी कहते फोटो में सुहा खिंचनी है, गया फटाफट मैंने उसको लेके जाओ वापस। आई वांट टू गो बैक। अम्मा पर ज़्यादा देर नहीं रुकना, इतने 10 घंटा बस मैक्सिमम, उसके बाद 4 फोटो खिंचाएंगे तो निकल जाएंगे आगे जाके। बढ़िया है, बहुत ऊंचा। सो ड्रामे नहीं नहीं बस ठंड च बोलते पे हो कि खुशी ना बोलते पे हो।
सो गुड नाइस मम्मी बहुत मजा आया अभी है कैसा लग रहा है आपको वैसे सीएन टावर आके बताऊंगा सीएन टावर अच्छा कितने फ्लोर है 144 ये आपको किसने बताया 144 मम्मी ग्लू में आ गए मम्मी चलो जी तक चले फिर बात करो मैंने डाल देनी है स्टोरी मम्मी रात को वैसे रात को जा सकते हैं ऊपर चलो चले मम्मी रात का व्यू अलग होगा बड़ा गाइस सो वी हैव सुचिता विद अ 13 प्रो वेल डन आंटी लवली लवली शक्ल दे आने रे लवली 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 टू फोटोग्राफर्स नाम लिया किसी ने यहाँ पे हेलो हेलो आज की वीडियो अबाउट माई टूर टू टोरंटो ब्रैम्पटन मम्मी के साथ हमने बहुत मजे करे बड़ी चीजें खाई और बहुत जगहें घूमी उनको बहुत मजा आया उनका बाद में फीडबैक लेके आपको जरूर मैं बिहाइंड द सीन्स में दिखाऊंगा अगर आपको स्टोरीज देखनी है रील्स देखनी है और बिहाइंड द सीन फोटोज देखनी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम आईडी @connectparul वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पे क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फोन पर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब अगेन सब्सक्राइब क्योंकि बहुत सारी आगे वीडियोस में लेके आने वाला हूं तो वो जरूर देखना मम्मी के साथ घर से रिलेटेड घूमने से रिलेटेड नायगरा एंड ऑल हम 50 जगहों पे जाने वाले हैं तो ये थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग टिल देन कीप वाचिंग